ज्ञानं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिवरं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं ओम के पाठ में हमने पपी के रूप सिद्ध किए और द्वार के रूप भी सिद्ध किए स्नान दो के लिए। तो पपी के रूप आप लोगों ने भी सिद्ध किए ही होंगे और उसी की तरह जो है यही वात क्रमी कंगारू मृग विशेष के लिए यही मानव मार्ग वात क्रमी मतलब वायु विवेक से चलने वाला। द्वा के रूप जो थे वो रामवत द्विवचन में चलाने के लिए आप लोगों को बोला था, चलाए होंगे आपने चलाया कौन कौन तो अभ्यासार्थ ये रूप सिद्धि करके रहने चाहिए। पहले पहले जब हम लघु पढ़े तो लघु के समय पर फिर इस बात की बड़ी चर्चा हुआ करती है विद्यार्थियों में लघु पढ़ने के समय पर, विशेष तौर पर जब ये सुबंत और तिंगंत प्रकरण चलता है, सुबंत प्रकरण चल रहा है तो उसमें विद्यार्थी आपस में चर्चा किया करते हैं कि अरे वो लघु पढ़ रहा है, हाँ तो फिर पूछते क्या चल रहा है आजकल लघु में कि सुबंत प्रकरण चल रहा है, अजंत पुल्लिंग चल रहा है, सब कोई भी प्रकरण चल रहा है सुबंत में तिंगंत। तो फिर आपस में फिर विद्यार्थी करते अच्छा बहुत बढ़िया है, फिर कहते अच्छा रूप सिद्ध करके भी देता है क्या, अरे वो तो रूप सिद्ध करके भी देता है, बड़ी प्रशंसनीय है ये बात कि रूप सिद्ध करके भी देता है, रोज रोज रूप सिद्ध करके देता है। पांडे ब्रह्मचारी रोज इस बात की चर्चा करते हैं वो रूप सिद्ध करके देता है। तो बात बहुत अच्छी है क्योंकि रोज रूप सिद्ध करके यदि आप दोगे मतलब रोज जो रूप आपको बोला है उसको आप सिद्ध करोगे आपका अभ्यास बना रहेगा और प्रस्तुत रहेगा आप पाठ। यदि ऐसा सोचेंगे आचार्य जी ने सिद्ध कर लिया पाठ में हो गया हम सिद्ध नहीं करेंगे तो फिर हाथ से निकल जाएगी। और होता क्या है कि शुरू शुरू में बड़ा रुचिकर लगती है, 5-7-8 पाठ ऐसे हुए कि आपने रूप सिद्ध नहीं किए या गृह कार्य नहीं किया, 6ठे-7ठे पाठ में या 4ठे-5ठे पाठ में आपको अरुचि होने लगेगी। मन को उसी विषय में रुचि होती है जिस विषय में उसको समझ आता है, रात को नींद भी तब आती है व्यक्ति को, कई बार पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी सोते तो उसका मस्तिष्क जो होता है वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, उसका ठीक से पुस्तक को ध्यान नहीं लगा रहा तो नींद आएगी उसको, समझ तो आ डायरेक्टिव नहीं है तो ध्यान रखना वो विद्यार्थ से। उसके बाद हम कल के पाठ में ये चर्चा हुई थी कि बहु शब्द है और
श्रेयसी शब्द है, समास में जब श्रेयसी शब्द को हम देखते हैं सामान्य रूप से, ये श्रेयसी जो शब्द है, ये श्रेयसी शब्द प्रशस्य एक शब्द है, ये अतिशयीन मिल होता है अधिक के लिए, अतिशयीन मतलब अधिक में। तो प्रशस्य ये शब्द है, प्रशस्य शब्द में द्विवचन विभज्य उत्पत्ति सूत्र है, उस सूत्र से यसुन प्रत्यय होता है इसमें प्रशस्य शब्द, प्रशस्य शब्द, तो प्रशस्य शब्द में यसुन प्रत्यय होता है, तो यसुन प्रत्यय में नकार अलंत्यम से गया, यसुन है ये इकार दीर्घ है, और सु में जो उकार है वो भी उपदेश से अच्छे और तस्य लोप से लोप, तो यस मात्र प्रत्यय बचता है, तो प्रशस्य धन यस रहता है, फिर प्रशस्यस्य श्रयः सूत्र से ये प्रशस्य जो शब्द है, ये संपूर्ण प्रशस्य शब्द के स्थान पर श्रया आदेश हो जाता है, तो फिर ये श्रया मात्र बचता है, और श्रया और उधर जो है वो इयसुन प्रत्यय का इयस बच जाता है। तो उगितस्य सूत्र से गी प्रत्यय होता है, स्त्रीलिंग के लिए आप लोग जानते हैं गी प्लीज गीन इस तरह के यंत भी बोल देते हैं इनको, तीन बीज दिन को क्योंकि गी और अंत तो फिर इको यान चीजों क्योंकि यंत बोल देते हैं, तो ये बीज दिन प्रत्यय होते हैं स्त्रीलिंग में। तो बीज प्रत्यय करने से अब वो जब मिलाओगे आप उसको प्रशस्य इसको जो श्राय आदेश हुआ तो शब्द बन जाएगा आपका श्रेयसी। तो ये श्रेयसी जो शब्द है ये गियंत शब्द है अर्थात स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द होने के अब इसका अर्थ जो है वो जब उसको समास करते हैं तो समास से ही अर्थ निकालते हैं, सामासिक पद जो होता है उसका अर्थ घटाने का तरीका होता है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है, तो बहुव्रीहि समास से कहेंगे कि बहुव्याः श्रेयस्यो यस्य स बहु श्रेयस्य, बहुत श्रेयवान या बहुत श्रेय करने वाली और बहुत प्रशंसनीय स्त्रियां जिसकी हो जिस पुरुष की उसको बहुश्रेयसी कहते हैं। भगवान कृष्ण में ये रूढ़ हो जाता है बहुश्रेयसी शब्द, क्योंकि ऐसा तो अति प्रशंसनीय या अति कल्याण चाहने वाली जो स्त्रियां जिसके पास बहुत सारी है प्रशंसा और कल्याण चाहती हैं और हैं भी बहुत संख्या में, ऐसे पुरुष को बहुश्रेयसी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को बहुश्रेयसी। कथा आप लोग भागवत इत्यादि से सुनी होगी, कैसा कल्याण वो चाहती थी, कुछ छोटा मोटा कुछ हो जाता था तो कोई झाड़ा फूका करती थी, कोई कुछ अपने अपने ढंग की, तो बड़ा कल्याण चाहने वाली बड़ी प्रशंसनीय स्त्री। तो ये बहुश्रेयसी शब्द जो है यदि आप इसको विच्छेद करके और श्रेयसी और बहु को अलग रख के देखेंगे तो श्रेयसी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग, और समास में जब ये पद बन गया बहुश्रेयसी उस समय इसका अर्थ जो है पुरुष के लिए घटित हो रहा है, तो ये फिर इसीलिए दीर्घ इकारांत पुल्लिंग में हम चलाने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बहुश्रेयसी शब्द है, इसकी भूमि आपने जमा दी है ताकि अब आपको इस शब्द के रूप चलाने में सरलता प्राप्त हो। अब हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा तो हो ही गई क्योंकि समासिक पद है, तो कृतधिक समासास्य से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में इसमें एक वचन प्रत्यय आएगा, एक वचन प्रत्यय लाएंगे तो बहुश्रेयसी धन सु, बहुश्रेयसी धन सु में उकार तो उपदेश अजनुनासिक तो तस्य लोप, तो सकार मात्र शेष रह गया स बहुश्रेयसी, ऐसा है। अब ये श्रेयसी शब्द गियंत तो है, ये तो आप जानते ही हैं, ये गियंत है, तो गियंत है तो गियंत होने के नाते इसमें आप ये देख लो कि हलग्याभ्यो दीर्घात सूत्र लगता है, क्योंकि हलग्याभ्यो जो सूत्र था वो सूत्र क्या कहता था गियंत शब्द से पर, यदि गियंत शब्द मिल जाए उनको और उससे पर में इस तरह कोई हल प्राप्त हो जाए तो उसका लोप हो जाए, तो जब ये प्रथम हमारा प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सकार मात्र शेष बचता है, तो यहाँ पे हल ज्ञापन दीर्घात सूत्र हो रहा है,
पूर्णतः लग सकता है और लगता है, और इस सूत्र के लगने से हमारा सकार का लोप हो गया और बच गया हमारा बहुश्रेयसी। तो प्रथमा का एक वचन क्या हो गया? बहुश्रेयसी। सारी चीजें बोर्ड पे लिखने जैसी नहीं होती, बीच बीच में जो होगा हम लिखते चलेंगे, आप लोग श्रवण करते जाएं ठीक से। यदि आपका आपकी लघु में और आपका ठीक से एकाग्रता है तो आपको समझ आना चाहिए। तो बहुश्रेयसी ये रूप सिद्ध हुआ प्रथमा एक वचन में। अब प्रथमा के दुई वचन में हम चलेंगे। मस्तिष्क को बिल्कुल यही रखोगे तो सब समझ में आएगा। तो बहुश्रेयसी धन प्रत्यय क्या आया? औ। औप्रत्यय आने में बहुत ही सामान्य सूत्र जो आप बहुत बार पढ़ के आए हैं, उसको आप लगा दें यहाँ पर। इको इकार के स्थान पर सूत्र ऐसे दिखा रहे हैं, वैसे तो आप लोग इसको बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। शब्द है ऐसे बहु धन औ, ऐसी स्थिति है। अब ये इकार तो चला ही जाता है, इकार के स्थान पर फिर क्या यकार आदेश हो जाता है, और ये सकार जो है आधा हो गया, अनंत वाला हो गया, ये इस तरह से कुछ हो जाता है। और ये अवकार जो है इसके साथ मिल जाता है, तो क्या बन गया द्विवचन का? बहुश्रेयस्य। ठीक है, ऐसे ही बहुश्रेयसी उप्रत्यय क्या आ गया? सु जस। जस में क्या बच गया? अस। अस जब इसमें आएगा तो अस आने से पर में अच वहां भी है, तो सामान्य सूत्र इको यणसी लगाएंगे आप, तो रूप क्या बनेगा? अस लगाने से बना दोगे? बताओ। बहुश्रेयस, क्योंकि उसमें क्या होगा फिर रुत विसर्ग भी हो जाएगा, अस है ना, तो सकार से ससुजुस रूप ही लग जाएगा, रुत विराम अवसान रुत विसर्ग, तो रूप क्या सिद्ध हो गया? बहु श्रेयस्य हो। बहु ये हो गया बहुवचन। अब आ गया हमारा संबोधन। प्रथमा बनाने के बाद हम संबोधन पे ध्यान देते हैं, तो संबोधन में क्या होता है? बहु श्रेयसी धन सु, और संबुद्धि संज्ञा तो आप जानते ही हैं, संबुद्धि संज्ञा प्राप्त हो जाती है एक वचन से सूखे। तो यहाँ ऐसी स्थिति में हे बहुश्रेयसी धन सु आया ना, तो हे बहुश्रेयसी धन सकार सामात्र शेष रह गया। अब ऐसी स्थिति में फिर अग्रिम सूत्र जो है उत्पन्न होता है। यू स्त्राख्यौ नदी सूत्र आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उस समय हमने कहा था कि जब पढ़ाएंगे एक बार और विशेष रूप से पढ़ा देंगे, तो आज इसका नंबर लग भी गया 1, 4, 3। सूत्र में यू एक पद है, प्रथमा द्विवचन, स्त्राख्याउ एक पद है, प्रथमा द्विवचन, नदी एक पद है, प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन। वृत्ति बड़ी सीधी सादी सी है। इदुदंताओ नित्य स्त्रीलिंगाओ नदी संजाओ स्तः। इदंत दीर्घिकारांत, इदंत उदंत दीर्घिकारांत दीर्घकारांत, ऐसे शब्द हो और नित्य स्त्रीलिंग हो। स्त्रीलिंग और नित्य स्त्रीलिंग में फर्क है। ईदंत हो, उदंत हो और नित्य स्त्रीलिंग हो, तो ऐसे शब्दों की नदी संज्ञा होती है। नित्य स्त्रीलिंग
आप लोग जानते हैं, आप जानते हैं कौन कौन नित्य स्त्रीलिंग का क्या मतलब है यहाँ पर? नित्य स्त्रीलिंग का मतलब जान समझते हैं आप? हाँ, नित्य स्त्रीलिंग का मतलब है कि वो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होता ही नहीं। कहीं होते हैं ना, वो चलते हैं कई लिंगों में, जैसे दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत शब्द हमारे पास हैं। ग्रामणी एक शब्द है, खलपू एक शब्द है, खलपू, ये दोनों शब्द हैं, दीर्घ इकारांत हैं, दीर्घ उकारांत हैं, ठीक है। ईदंत उदंत वाली कंडीशन की पूरी हो गई, लेकिन ये पुल्लिंग में भी चल जाते हैं और स्त्रीलिंग में भी चल जाते हैं, तो नित्य स्त्रीलिंग तो ये बचे नहीं, इसलिए कंडीशन दूसरी हमारी फेल हो गई, इनको नहीं ले सकते। हाँ, नदी शब्द है, गौरी शब्द है, वधु शब्द है, ये शब्द केवल और केवल स्त्रीलिंग में चलते हैं, तो इसलिए नित्य स्त्रीलिंग है, शर्त पूरी हो गई तो इनकी नदी संज्ञा हो सकती है। बस ये नदी संज्ञा को बताने के लिए इतनी नित्य वाली बात आई थी, तो सीधा साधा सा सूत्र में एक स्त्री संज्ञा कर, एक नदी संज्ञा करने वाला सूत्र है, जो कि दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत शब्दों की नदी संज्ञा करता है, जब वो शब्द नित्य स्त्रीलिंग में चलते हो, अर्थात केवल स्त्रीलिंग में चलते हो, तो ऐसी स्थिति आके खड़ी होगी। तो हमारा जो बहुश्रेयसी शब्द है, अब बहुश्रेयसी जो शब्द है, अब इसमें क्या समस्या आ गई कि ये बात तो आपने सही कह दी कि वे हो, अब इसमें हमारा श्रेयसी जो शब्द है, ये श्रेयसी शब्द तो गियंत है, नित्य स्त्रीलिंग तो है श्रेयसी शब्द, लेकिन ये तो श्रेयसी से बहुश्रेयसी बन चुका है, खाली श्रेयसी तो नहीं बचा है। श्रेयसी की बात तो सही है, श्रेयसी तो हमारी कंडीशन पूरी कर रहा है, तो गियंत है, दीर्घिकारांत है, और जो है नित्य स्त्रीलिंग भी है, लेकिन ये खाली श्रेयसी नहीं है ना, ये पूरा जो पद बन गया समस्त पद, वो तो बहुश्रेयसी है, तो उस स्थिति का हम क्या करेंगे? ये तो समास में आ गया, और समास में आने के बाद में ये तो शब्द जो है ये पुल्लिंग अर्थ कर रहा है और पुल्लिंग में रूप चल रहा, तो इसमें आप इसकी नदी संज्ञा कैसे करेंगे? और नदी संज्ञा हमें अभिष्ट है, देखो पाणिनि जी को नदी संज्ञा अभिष्ट है, क्योंकि नदी संज्ञा को लेके उनको आगे जो संबोधन के रूप में कुछ कार्य करना, संबोधन का रूप चल रहा है, संबोधन के रूप में उनको कुछ कार्य करना, तो उसके लिए उन्होंने एक वार्तिक पढ़ दिया। वार्तिककार ने, वार्तिककार हमेशा तब आके खड़े होते हैं जब उनको कोई लगता है कि यहाँ कुछ जरूरत विशेष है, तो एक विशेष निर्णय वार्तिककार लेते हैं, तो उन्होंने एक वार्तिक पढ़ दिया। प्रथम लिंग ग्रहणश्च, प्रथम लिंग ग्रहणश्च, तो एक वार्तिक पढ़ा गया, ये वार्तिक जो है कुछ हमारी समस्या सुलझा देगा। प्रथम ये वार्तिक क्या कह रहा है? वार्तिक कह रहा है कि पूर्वम स्त्रियाख्यस्यो विसर्जनत्वे अपि नदीत्वं वक्तव्यम् इत्यर्थः। पूर्वम पर दो नंबर टिप्पणी है, पूर्वम समासादि वृत्तेः प्राक् स्त्रियाख्यस्य नित्य स्त्रीवाचकस्य संप्रति समासादि वृत्ता उपसर्जनत्वे सत्यपि नदी संज्ञा भवति इत्यर्थः। क्या कह रहे हैं कि समास में आने से पूर्व जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग था, समास में आने से पूर्व जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग था, बाद में वही शब्द समास में आने के बाद गौण हो गया। कल भी बताया था ना, समास में आने से पद गौण हो गया। प्रियत्री में क्या हुआ था? त्री शब्द पहले मुख्य था, तो वहां कुछ अलग बात थी, लेकिन जब वो प्रियत्री बना तो त्री शब्द गौण हो गया, क्योंकि बहुव्रीहि समास जो है वो अन्य पद प्रधान होता है।
तो इसी तरह जो है वह श्रेयसी जो है इसमें भी श्रेयसी की तो कोई वो नहीं रही, श्रेयसी शब्द तो गौण हो गया। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाए कि कोई शब्द पूर्व में नित्य स्त्रीलिंग था और समास में आकर वो गौण हो जाए और अन्य लिंग में चला जाए, पुल्लिंग में चला गया कि नहीं चला गया, ऐसी स्थिति में भी उस पूरे शब्द की जो है वो पूरा जो समास समस्त शब्द बना उसकी जो है आप नदी संज्ञा पूर्व के लिंग के हिसाब से कर सकते हैं। नदी संज्ञा की छूट दी है, केवल नदी संज्ञा की छूट है, उसको शब्द स्त्रीलिंग नहीं बन गया, नदी संज्ञा की छूट है कि उसकी आप जो है नदी संज्ञा कर सकते हैं। अर्थात कि विशेष परिस्थिति में जब आर्थिक लिखा गया कि प्रथम लिंग ग्रहश्च के अनुसार जो है अब बहुश्रेयसी शब्द भी नदी संज्ञक हो गया इस वार्तिक के कारण। ठीक है, इसकी नदी संज्ञा हो गई क्योंकि श्रेयसी शब्द की नदी संज्ञा थी, तो अब वो श्रेयसी शब्द जो है अब इसमें श्रेयसी की नदी संज्ञा, यहाँ पे सही पूछो तो श्रेयसी की है, श्रेयसी की है, लेकिन यहाँ गौण हो जाने से श्रेयसी की नहीं हो रही थी, अब श्रेयसी की है नदी संज्ञा, तो क्यों देर के कारण तो वही है ना। अब उसका अर्थ क्या फलित करेंगे तो उसके लिए अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। नदी संज्ञा कर ली और या संज्ञा साथ साथ फलवर्ती प्रयोजन कुछ लाभ ही उठाना होता है संज्ञा करने का, दूसरा तो प्रयोग कारण नहीं होता और उसका कुछ लाभ उठाए, तो उसका लाभ उठाने के लिए सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। अम्बार्थ नद्यो हर्षस्व अम्बार, देखो सूत्र से भी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अंबार अंबार नद्यो हर्षस्व, सात तीन कितना है 107, रूप हमारा वही चल रहा है, हे प्रियसी धन सु से तो उपार चल गया सका। सूत्र क्या कह रहा है ये, अम्बार्थ नद्यो हो, इसमें एक पद है अम्बार्थ नद्यो हो तक तोड़ दो उसको, तो अम्बार्थ नद्यो हो तक एक पद है षष्ठी द्विवचन का, तो ये पद निकल गया इसमें से बात। हर्ष्व एक पद है प्रथमा एक वचन, तो एक पद है षष्ठी, षष्ठ्यांत द्विवचन है, एक है प्रथमांत, सूत्र है, अर्थ बड़ा सीधा साधा है, कह रहे हैं कि संबुद्धौ और टिप्पणी दे दी उस पर, तीन नंबर जो बात बच जाती तो टिप्पणी का उसको पूरी करा देते, अर्थ समझ में नहीं आए। कहते हैं अम्बार्था नाम नद्यांता नाम च हर्ष्वह स्यात् संबुद्धौ इत्यर्थः, ये टिप्पणी में लिखा है ना स्यात् संबुद्धौ, ये जो यवायावा लगा है ना यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना संबुद्धा इत्यर्थः ऐसा लिखा है ना, तो ये संबुद्धौ इत्यर्थः है, ये जो यवायावा है ना, समझ में आया ना फोन पर, इसमें एक पद। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि अम्बा अर्थ अर्थात माँ अर्थ जहाँ अम्बा माना माँ संस्कृत अम्बा तो माँ, अम्बा अर्थ जहाँ हो शब्द का कहते को माँ शब्द आ रहा हो उसका माँ अर्थ आ रहा हो तो माता अर्थ हो, या फिर क्या हो नद्यंत अंग हो, तो नद्यंत तो भी नदी संज्ञा करा के आए तो नद्यंत अंग है अंग संज्ञा है अस्मात् प्रत्यभिदादि प्रत्यंगम से, और नदी संज्ञा भी हम करा के आए हैं तो नद्यंत अंग मिल गया हमें, तो नद्यंत अंग हो या अम्बार्थ का कोई शब्द हो ऐसो के परे यदि संबुद्धि हो, संबुद्धि की संबुद्धि संज्ञा आप लोग देखिए एक वचन संबुद्धि से आप पढ़ के आए, संबुद्धि संज्ञा हो संबुद्धि का सकार पर में है इसमें, तो ऐसा कहने पर हर्ष हो जाए, तो हर्ष हो जाए तो हर्ष किसको होगा अरुंतस्य से बैठाओगे व्यवस्था किसको होगा हर्ष हो। सीधा हमारा ये ईकार जो है ये हे बहु श्रेयसी जो था यही जो है अब हे बहुश्रेयसी था, तो हे बहुश्रेयसी
हो गया कि नहीं हो गया? पर में सकार चल ही रहा है, सकार अभी ऐसा कैसा है? देखो हर्ष करने के लिए ये इतनी बात आई, क्योंकि हर्ष करने के लिए उसकी नदी संज्ञा होनी जरूरी थी, और नदी संज्ञा करने के लिए उन्होंने फिर नदी संज्ञा जो नहीं हो रही थी उसके लिए वार्तिक उनको लिखना पड़ा। तो काम ये जो हुआ सही पूछो तो हर्ष होने के लिए हुआ। तो इस तरह से ये सकार पे जो इकार है वो हर्ष्व हो गया, अब हो गया हे वयु श्रेयसी। अब हे वयु श्रेयसी धन सकार है, तो अब इसमें आपको आप जानते हैं एक सूत्र है, क्या है? एंगर्ष्वात क्या करता है? एंगर्ष्वात संबुद्धे, याद है किसी को? संबुद्धि के सकार का लोप करेगा, तो संबुद्धि के सकार का लोप करने से क्या मात्र शेष रह गया? हे बहु श्रेयसी, ठीक है, संबुद्धि के सकार का लोप हो गया। ये सब लिखते जाने, संबुद्धि का ये बच गया। अब कहते हैं कि क्या यहाँ पे हर्षस्य गुण नहीं लगा सकते? क्या हर्षस्य गुण नहीं लग सकता यहाँ पे? तो कहते हैं हर्षस्य गुण नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले से आपने कार्य कर लिया है, तो उसके हर्ष विधान सामर्थ्य में आप हर्षस्य गुण दोबारा नहीं लगा सकते। उसके हर्ष को लेकर हर्ष विधि सामर्थ्य के कारण अब नहीं लगेगा, उसका कार्य हो चुका है, ठीक है। तो रूप सिद्ध हो गया ये। अब जो है संबोधन में ही हमें वही प्रत्यय आता है जो प्रथमा एक वचन में आया, औ द्विवचन में संबोधन के, तो औ आप वही सामान्य इकोयर्सी लगाओगे तो क्या हो गया? हे बहु श्रेष्ठ औ। अब उसी में जो है बहुवचन आ जाता है ठीक उसी तरह, तो बहुवचन में क्या बना था प्रथमा के? हे बहु श्रेष्ठ यो, इकोयर्सी सामान्य हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब द्वितीय का एक वचन लेके चलेंगे हम, बहु श्रेयसी धन अम, बहुश्रेयसी धन अम में पूर्व सवर्णादि का बात कर रही है करके अमिपूर्व सूत्र आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि अम पर में है, तो अमिपूर्व सूत्र क्या करता है? पूर्व रूप, तो रूप क्या सिद्ध हो गया? बहुश्रेयसी, ठीक है। अब द्वितीय के बहुवचन में उसी तरह से आप जानते हैं द्वितीय के द्विवचन में औ अभी बना के आए हैं, बहुवचन औ उसी तरह जो ना बहुश्रेयसी से बना के आए। बहुवचन में क्या हो गया? शस का रह गया क्या? अस की स्थिति में पूर्व सवर्ण दीर्घ पहले आप करोगे तो पूर्व सवर्ण दीर्घ होके भी क्या हो जाएगा? वो तो वही रह जाएगा, क्योंकि उसमें तो दीर्घ है ही, तो फिर उसमें तस्मात छसो न पुंसी क्या कर देगा? शस के सकार को नकार आदेश कर देगा, तो रूप क्या बन जाएगा? बहुश्रेयसीन। बोर्ड पे इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि पढ़ाई बात है, कितनी बार तो उसको बार बार बोर्ड पे लिखने कोई लाभ भी नहीं है, आप लोग इतना तो बना ही देंगे। फिर अगला आ गया हमारा टा प्रत्यय आ गया, टा में क्या रह गया? तृतीया में टा आ गया, टा में क्या रह गया? आ। सामान्य इको एनर्जी लगा दीजिए यहाँ पर भी, यणादेश कर दीजिए तो क्या बन गया? बहुश्रेयस या, इसमें कोई विसर्ग नहीं आएगा, टा है ना, टा का आ रहा, सकार से विसर्ग बनता है, ध्यान रखना है, बहुश्रेयस या। इसके आप जानते हैं द्विवचन, इसके द्विवचन में व्याम व्याम बनते चले जाएंगे, तृतीया ले लो, चतुर्थी ले लो, ले पंचमी ले लो, तीनों में एक सा रूप बन जाता है, तो बहुश्रेयसी भ्याम, ये रूप सिद्ध हो गया। अब तृतीया के बहुवचन में विश, बहुवचन में आया ना विश प्रत्यय, तो हाँ, तो तृतीया के बहुवचन में क्या आ गया? बहुश्रेयसी भी। अच्छा फिर क्या आ गया हमारा तृतीया का? हमने द्विवचन तो बना चुके हम, और बहुवचन में फिर आप जानते ही है बहुवचन में क्या आ जाएगा? तृतीया के बहुवचन में नहीं, चतुर्थी के, चतुर्थी में हम बना ही चुके हैं, चतुर्थी के बहुवचन में बना चुके, द्विवचन में बना चुके हैं, अब एक वचन को ले लेते हैं। द्विवचन तो बना दिए ना सबके, द्विवचन तो एक जैसे ही बनेंगे। अच्छा बहुवचन यदि आप देखोगे तो बहुवचन में तृतीया के बहुवचन में तो भी ही बनेगा, भी ही बनेगा, और जो बाकी जो बच गए, बाकी दो और बच गए, चतुर्थी और पंचमी और बच गए, तो व्यस होता है तो व्यह बन जाए, ये तो आप लोग बना ले। अब विशेष सूत्र पर, विशेष उस पर आ जाते हैं स्थिति पर, चतुर्थी के एक वचन में आ जाते हैं, एक वचन नहीं बनाया, क्योंकि तृतीया का एक वचन टा बनाने के बाद हमने सब जो द्विवचन बहुवचन की चर्चा की, चतुर्थी के एक वचन की हमने चर्चा नहीं की, तो चतुर्थी के एक वचन में बहुश्रेयसी धन चतुर्थी का कौन सा प्रत्यय? ए में क्या बचा? ए मात्र शेष रह गया। अच्छा नदी संज्ञा तो है इसकी, नदी संज्ञा हम पीछे से देख के आए हैं, नदी संज्ञा, नदी संज्ञा को से ही कुछ लाभ लेने वाला सूत्र आगे आ रहा है।
आन्नद्याः सूत्र में कोई संधि छिपी हुई हो तो हमें बताएं आप लोग। तो संधि दिखती है क्या सूत्र में पढ़ी पढ़ाई? सब लोग विचार करो, आन्नत्याह में कोई संधि छिपी है क्या? वृत्ति भी आप लोगों के सामने है तो वृत्ति से कुछ आइडिया लगे आप लोगों को क्या हो सकता है। कुछ आया किसी को पकड़ में? आपको आया फोन पर? हाँ, तो क्या है यहाँ पे पद? आठ। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, शाबाश। आठ है, आठ से पर में क्या अनुनासिक वर्ण है तो अनुनासिक वर्ण में क्या होता है उसके फिर अनुनासिक हो जाता है और फिर व्यवस्था देखनी पड़ती कि टकार है तो टकार का फिर जो टकार जिस वर्ग में इस वर्ग में जो भी अनुनासिक वर्ण मिलेगा तो टा 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 ना हो गया तो उसने आठ। तो एक इसमें पद है आठ, ये आप देख चुके, और एक इसमें पद है नद्याह। आठ जो है प्रथमा है और नद्याह पंचमी है। नद्या तो नदी, नदी की बात कुछ कर रहा है, नदी संज्ञा पीछे से करके आए हैं तो वृत्ति हम पढ़ लेते हैं। नद्यंतात, नद्यंतात मतलब नदी अंग सी की बात हो रही है, वो भी अब बहु से बहुश्रेय सी नदी अंग है और पर में गे है तो उसकी कुछ बात कहेंगे। परेशान गित, गित है कि नहीं, ये यकारित हुआ है इसमें तो गित की बात भी सही। गित गिताम आडागमः, अर्थात आठ का आगम हो जाए। कैसी स्थिति में? नद्यंत शब्द हो, नद्यंतात कहा है तो नद्यंत शब्द हो उससे परे यदि कोई गित प्रत्यय आ जाए। अब गित प्रत्यय आ ही रहेगी, ये भी आ रहा है, कसी भी आ रहा है, गस भी आ रहा है, आगे जाके घी भी आ ही रहा है, ये सारे गित है। यदि गित प्रत्यय आ जाए तो गित प्रत्यय की स्थिति में आपको नद्यंत शब्द से परे गित प्रत्यय हो तो आठ का आगम हो। ये आठ का आगम करने के लिए कह रहे हैं। स्थिति क्या आती है हमारी? बहुश्रेयसी धन ए, बहुश्रेयसी धन ए, तो लिख लीजिए स्थिति। आगम करेंगे तो गित को, गित को करना है आगम, गित को करना है कि नहीं? गित में जो गित जो था उसको आगम करना है, यानी उसी का अवयव बनेगा। स्थिति क्या है? बहु श्रेयसी धन ए, ऐसी स्थिति में आठ का आगम करेंगे। टकार हलंत्यम आ मात्र शेष बचा, आ मात्र जब शेष बचा तो आ मात्र में आ अका ये टका इत है, इसमें तो टित है, टित है तो कहां बैठाएंगे आदंतों टकितों से? एक आदव्य बनाएंगे, एक आदव्य बनाएंगे, इतनी बात तुम पढ़ के आए हैं। तो ए से पूर्व में बैठा देंगे आ को, तो ए से पूर्व में हमने आ को बैठा दिया तो अभी क्या आ गई स्थिति? बहुश्रेयसी धन आ और ए, ऐसा है कुछ, बहुश्रेयसी आ और ए ऐसा कुछ है। अब इसी के लिए, ऐसी स्थिति के लिए जब ऐसी स्थिति बन गई कि बहुश्रेयसी आ और ए, ऐसी स्थिति के लिए आगे का सूत्र जो है वो प्रस्तुत हो रहा है। आठष्ट सूत्र है, स्पष्ट पता चल रहा है कि आठ को लेके कुछ बात कहने आ रहा है। छह एक दस, छह एक नब्बे ही है, आठ को लेके कुछ बात क्या कह रहा है? कह रहा है आटो अची, यदि आठ से पर में अच कुछ हो, अची सप्तमी है और आठ से पर में यदि कोई अच हो तो क्या करे? वृद्धि रेख आदेश हो, वृद्धि आदेश कर दे आठ से पर में। आठ तो है ही आ और से पर में ए क्या है? अच, तो वृद्धि कर दे तो आ और ए की वृद्धि क्या बनती है? आई, आ और ए आठ है, आठ का आ है और आठ का आ होके पर में ए है तो वृद्धि क्या बन गई? आई। तो रूप क्या, अभी क्या स्थिति हो गई? बहुश्रेयसी धन आई,
बहुश्रेयसी धन आई में अब लगा लीजिए आप आपका सामान्य सूत्र। आपका सामान्य सूत्र क्या है यहाँ पर? बहुश्रेयसी धन आई की स्थिति में इको यणची, इको यणची लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? बहुश्रेयस्य, बहुश्रेयस्य यही, ठीक है, बन गया क्या? बहु इसमें कई लोग ये प्रश्न कर देते हैं, आपके मन में भी आ रहा होगा किसी के, कहते इसमें कौन बड़ी बात होगी, आ और ए पहले भी लिखते थे, आ और ए में वृद्धि होती ही थी, हटस्थ सूत्र व्यर्थ बना दिया। आ और ए कहीं भी मिल जाए, यहां से पर में यदि ए मिल जाए तो वृद्धि रेचित सूत्र ये कार्य कर ही रहा था, अटस्थ सूत्र बनाने की जरूरत ही क्या बनी, अटस्थ का आठ का आई मात्र तो शेष बचा है और उधर ए है, आ और ए मिला देंगे वे वृद्धि रेखा देश वृद्धि हो ही जानी थी, ये वृद्धि रेखा देश वृद्धि रेचि से हो ही जाना था, ये अटस्थ सूत्र बना के इससे वृद्धि करवा रहे हैं, सामान्य वृद्धि रेचि सूत्र उपलब्ध था उससे वृद्धि नहीं करवाई, तो उसके लिए ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसा आप यहाँ के लिए तो ठीक समझ लीजिए, यहाँ तो ये न्यायवशात हम बता रहे हैं, न्यायवशात इसको प्रस्तुत करा रहे हैं, लेकिन आगे जब आप रूप बनाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि आठ का आगम होगा ईक्षत, एक बन जाएगा शब्द ईक्षत, हाँ दीर्घिकारांत है, ईक्षत होगा और ईक्षत में आ आठ का आगम होगा, ईक्षत से पूर्व में ये आ का ऐसे आगम हुआ और ये ईक्षत है। ऐसी स्थिति में यदि आप देखने लगो, यदि आपने सूत्र नहीं बनाया हो तो कौन सा सूत्र यहाँ पर लग सकता है? आधन ईक्षत में, आप बताएंगे फोन पर, आधन ईक्षत में यदि हम ये अटस्थ सूत्र ना लगाएं और सामान्य सूत्र को लगाएं तो कौन सा सूत्र लग जाएगा? अधूरा लग जाएगा, तो रूप क्या बन जाएगा? ईक्षत, ये हो जाएगा ईक्षत, अनिष्ट रूप बन गया, रूप चाहिए हमें ईक्षत, तो ईक्षत बनाने के लिए तो यहाँ पे वृद्धि रेखादेश ही करना पड़ेगा, और वृद्धि रेखादेश करने के लिए फिर अटस्थ ही लगाना पड़ेगा कि आठ से पर में यदि अच्छ है तो न्यायवशात कुछ सूत्र जो हैं आ जाते हैं वहां जहां उससे भी अलग कोई सूत्र पूर्व का कार्य कर सकता है, लेकिन बाद में वही सूत्र जो है बड़े उपयोगी शब्द होते हैं। चलो तो बहुश्रेयसी शब्द में हमारा कौन सा बन गया, ये कौन सी विभक्ति तक पहुंच गए हम? चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन है, हाँ चतुर्थी एक वचन, तो चतुर्थी द्विवचन आप बना चुके, बहुवचन आप बना चुके, तो अब क्या करना है आपको चतुर्थी के बाद? पंचमी, चतुर्थी और चतुर्थी में और पंचमी में आप यदि बहुवचन के रूप बनाएंगे तो द्विवचन के, तो द्विवचन के आप बना चुके व्याम व्याम करके, और बहुवचन के रूप जो अभ्यास हो गया तो ससुरु लगा के वहां ब्याह कर देंगे आप, तो इतना तो आप बना ही लेंगे। अब इसके बाद जो है आप इसका गसी में आ जाइए और उधर गस में आ जाइए, गसी और गस में दोनों में आ जाइए, गसी और गस की स्थिति में देखिए क्या होगा, गसी में क्या बच जाएगा? अस, अस मात्र बच जाएगा और गस में भी अस मात्र बच जाएगा, और दोनों में क्या है? नदी संज्ञा, क्योंकि नदी संज्ञा तो है बहुश्रेयसी शब्द की और अस है, तो सामान्य रूप से आप जो है यहाँ पर देखिए आण नद्या, अभी सूत्र हमने पढ़ा है, आण नद्या क्या कहता है? नद्यम से पर आठ का आगम करेगा कि नहीं पड़ेगा? गीतों को आठ का आगम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गीत को आठ का आगम, तो अस भी गीत है और दोनों के अस आए निकल के दोनों ही गीत है, पंचमी और षष्ठी के गीत है, तो आठ का आगम कर दीजिए, अस से पूर्व आठ रख दोगे, आठ का आकार मात्र शेष रह जाएगा, टकार तो रहेगा नहीं, अट से अट का आत्मा रहेगा, आ और अस दो बच गए, आ और अस दो बच गए, बहुश्रेयसी ऐसा कैसा रखा है, जो हमारा जो धन है धन के बाईं ओर आ और अस दोनों हो गए, अब आ और अस में आटश्च से वृद्धि करा दीजिए, तो वृद्धि करने से क्या होगा? आस, वृद्धि करने से क्या हो गया? आ और अस में आस, ऐसा से वृद्धि करके आस हो गया, तो आस करने के बाद में फिर आप सामान्य रूप से सूत्र लगा दिए, यहां आदेश कर दीजिए। जी जी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, वही तो बात कही थी, सूत्र तो प्राप्त हो सकते हैं
लेकिन आठस्य से ही बनाएंगे हम इसको कि आठस्य आठ के आगम वाले के लिए आठस्य ही सूत्र है, इसलिए आठस्य से ही हम इसको वृद्धि करते चलेंगे। नहीं तो आप रूप तो वही सिद्ध कर देंगे, ऐसा मुझे पहले भी बताया गया था एक विद्यार्थी ने, ये बहुत बढ़िया बात है। मैं सोचता था ऐसे काशी में एक दिन यही चर्चा चली, यही हमने कहा जो विद्यार्थी पढ़ते थे वहां पर, क्योंकि आप जो रूप सिद्ध करते हो वो रूप कैसे सिद्ध करते हो, या परीक्षा जो दे के आती हो क्या पूरे लघु सूत्र प्रस्तुत हो रहे हैं। कहने लगे, ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब बल्क में जो विद्यार्थी, इसलिए देखने में भी आता है प्राय जो केवल संस्कृत को या लघु को एक कोर्स मटेरियल की तरह पढ़ते हैं, मैंने देखा है प्राय वो बहुत बड़े बड़े विद्वान भी है, ऐसी बात नहीं है। तो वो बोलने लगे, स्वामी जी हम तो केवल जो है कोई भी सूत्र बढ़ाकर रूप सिद्ध कर देते हैं। अर्थात उनका तात्पर्य ये है वहां पर कि यदि वो यहाँ अकसवर्ण यदि लगा दे आठस्य नहीं लगाए तो बोले हमें कोई चिंता भी नहीं, रूप सिद्ध हो गया। तो वो प्रक्रिया एक अलग बात है, लेकिन शुद्ध प्रक्रिया सही प्रक्रिया तो यही है जो सूत्र जहां प्रस्तुत कराना है, तो यहाँ आठस्य से ही लेके चल रहे हैं, तो वृद्धि जो है हम आठस्य से करा देंगे। तो आठस्य से वृद्धि कराने के बाद में बहुश्रेयसी धन आ समारा हो गया। अब यहाँ आदेश हम करेंगे तो रूप क्या बन जाएगा हमारा पंचमी और षष्ठी दोनों में, बहुश्रेयस बनेगा और उसको शुरू हो जाएगा, तो बहुश्रेयस रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। षष्ठी के द्विवचन को ले लीजिए, षष्ठी के द्विवचन में कौन सा प्रत्यय है, ओस प्रत्यय में भी सामान्य रूप से आप इको यणची लगा दीजिए, इको यणची लगाने से क्या हो जाएगा बहुश्रेयस योस, योस होने से फिर ससजु शुरू होगा तो बहुश्रेयस योहो। सप्तमी का द्विवचन भी ऐसे ही बनता है तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। षष्ठी का बहुवचन बना लेते हैं, षष्ठी के बहुवचन में क्या होगा बहुश्रेयसी धन आम, आम है ऐसी स्थिति में हर्षोनद्यापो नुट, नुट का आगम कर देगा क्योंकि नदी अंग है ना, तो उसे क्या होगा बहुश्रेयसी नाम, नाम आ जाएगा। नाम को आप जानते ही हैं, नामी लगाना चाहोगे तो नामी लगाने का कोई खास यहाँ प्रायोजन तो है नहीं, तो यहाँ आप जो है दीर्घ तो मिल रहा है, तो बहुश्रेयसी नाम ये रूप सिद्ध हमारा हो गया षष्ठी बहुवचन में। अब सप्तमी के एक वचन में हम आ जाते हैं, सप्तमी के एक वचन में लिख लेते हैं इसको क्या आ गया बहुश्रेयसी धन। जहां नया सूत्र आता है वहां हम लिख लेते हैं बोर्ड पर कि चलो नया सूत्र को प्रस्तुत होएगा, बाकी जो आप पहले बना चुके हैं कई बार उसमें सोचते हैं चलो आप लोग इसको तो बना ही देंगे, तो क्या आ गया बहुश्रेयसी धन क्या है क्या बच गया घी का ठीक है तो ई लिख दिया हमने सीधे ई न लिख के ठीक है। अब ऐसी स्थिति में बहुश्रेयसी धन ई आ गया, ऐसी स्थिति में अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है गेराम नद्याम निभ्यः, गेराम नद्याम निभ्यः देखो इसी के लिए बनाया कि ये सूत्र इसी के लिए बनाया इसी विभक्ति के लिए, अभी तक बाकी सब विभक्ति का काम हमने निकाल लिया था और ये इसमें ये अपने आप ही आ भी गया ये, उसको पद को तोड़ने की थोड़ी सी कोशिश करो आप लोग जब तक हम बोर्ड पे लिखते हैं आसान ही है। ये अनुज्ञा नित्य हो सूत्र जो है ये है 7-3-116 टूट गया होगा पद, ये ही एक पद है षष्ठी का घी की षष्ठी है, घी अभी घी बड़ा घी की षष्ठी तो गे है, तो गे एक पद है, आम एक पद है, गे के जस्ट बाद में आम एक पद है, ये एक पद है, आम एक पद है, नद्याम निभ्यः एक पद है, तीन पद हो गए, गे एक पद है षष्ठी एक वचन, गे एक पद हो गया षष्ठी एक वचन, आम एक पद हो गया प्रथमा एक वचन, नद्याम निभ्यः हो गया पंचमी, तो पंचमी जो होता है उससे पर की कोई बात होती है, तो नद्यम निब्बह का मतलब क्या है कह रहे हैं कि नद्यंतात वृत्ति भी ध्यान देंगे नद्यंतात आवंतात या तो नद्यंतात, देखो इस तरह के जो होते हैं सूत्र ये आगे भी काम करते हैं, इसलिए इन सूत्रों को याद रखा करो क्योंकि इसमें नद्यंतात की खाली बात नहीं हुई, क्योंकि नद्यंतात की बात तो हमारी यहाँ पूरी हो जाएगी लेकिन ये सूत्र आगे आवंतात में भी काम आएगा ठीक है आवंतात।
तो नद्यंतात आबंतात निशब्दात च निशब्दियो परस्य गी आम गी राम। क्या कह रहे हैं? नद्यंत अंग हो, आबंत अंग हो, नी शब्द से परे हो, इस तरह की कंडीशन है। नद्यंत अंग हो, आबंत अंग हो या नी शब्द से परे हो घी, इनमें से किसी के भी पर में यदि घी मिल जाए, घी प्रत्यय मिल जाए सप्तमी एक वचन का, तो ऐसी स्थिति में घी प्रत्यय के स्थान पर आम कर दीजिए। देखने से लगेगा ये तो क्या कर रहे हैं ग्रंथकार, इसको षष्ठी की तरह बनाने चल दिए। षष्ठी में आम होता है, वहीं का आम खा लेते दशहरी, ये पाणिनि जी ने एक नए आम का विधान कर दिया। तो देखो क्या करा रहे हैं, घी को आम हो जाए। अब यहाँ ई है घी का, तो आम कर दीजिए। अब देखो क्या कहानी बची, घी को आम कर दीजिए। चलो जी, घी को हमने आम तो कर दिया, लेकिन ये आम जो है इसमें एक विशेष बात है, ये आम घी को आम हुआ है, तो घी को आम हुआ है तो स्थानीय वल आदेशो अनल विदो से क्या होता है, इसमें स्थानीयवत भाव है। कौन सा स्थानीयवत भाव है? ये गित स्थानीयवत भाव है, इसमें गित का स्थानित्व तो धर्म है। गित गित जो स्थानी था उसका, गित स्थानी का जो धर्म था वो गित जो धर्म है, वो गित धर्म है इसके अंदर, किसके आम के अंदर, क्योंकि स्थानीयवत आदेश हो अनल विदो से। तो इसको साधारण आम मत समझना, इसको आप गित आम समझ, ये गित धर्म इसके अंदर भी विद्यमान है। क्या होगा, इससे कुछ लाभ उठाएंगे। लाभ क्या उठाओगे? आण्मध्या क्या करता है, वो गित परे होने भी कार्य करता है। तो ऐसे देखने से तो आम ये षष्ठी की तरह है, लेकिन नहीं, इसमें गित धर्म है। तो इसके गित धर्म का लाभ क्या उठाएंगे हम, इसमें आण्मध्या लगा देंगे। आण्मध्या क्या करेगा, आण्मध्या इसमें भी आठ का आगम कर देगा, यानी आम से पूर्व में एक आकार को और टिका देगा, है कि नहीं? तो आ और आम इस तरह से आ गया आठ का आगम। अब आम से पहले इसमें आठ का आगम हो गया, तो अब जो है आप देखोगे कि आठ का आगम इसमें हो गया, तो यदि आप इसमें दूसरा एक और विचार करें तो आठ का आगम तो प्राप्त हो ही रहा है, आ को टिका ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक बात और भी तो सोचो, जब भी आम प्रत्यय पर में हो उस स्थिति में हर्षनद्या को नुट भी आगे खड़ा तो हो ही जाता है, क्योंकि हर्षनद्या को नुट क्या कहता है कि हर्षवंतंग से और नद्यंतंग से परे यदि आम मिल जाए तो नुट आगम कर दो। और गजब की बात क्या है कि नुट आगम वो आम का कराता है, आम को कराता है, स्पष्ट कहता है वो कि आम का अवयव बना दीजिए। अब समस्या यहाँ क्या हुई, एक तो आठ का आगम करने के लिए सूत्र प्रस्तुत हो गया आठश्च, दूसरा सूत्र जो है हर्षनद्यापो नुट जो आम परे रहने पर कार्य करता है वो भी प्रस्तुत हो गया। एक कुर्सी बैठने वाले दो, कॉम्पिटिशन क्रिएट हो गया, तुल्य बल विरोध हो गया। तो तुल्य बल विरोध के लिए हमने सूत्र पढ़ा था विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे परम कार्यम क्या कहता है कि पर कार्य पर में जो कार्य होता है उसको कर लो, तो आठ का कार्य पर का कार्य है, आठ का आगम कर लीजिए, क्योंकि दोनों आगे खड़े हो गए तो व्यवस्था तो कुछ देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि हर्षनद्या पर उठ तो आम को देखते ही हर्षवंत अंग को नद्यंत अंग से पर में यदि उसको आम दिख जाता है तुरंत आगे खड़ा हो जाता है, और चूंकि इसमें गित धर्म है तो आटस्य भी आगे खड़ा हो जाता है, इसीलिए दोनों युगपत प्राप्त है, एक साथ प्राप्त है, सारे कबूतर एक साथ आगे बैठ गए, जैसे वो न्याय होता है। तो अब यहां पर जो है पर कार्य की व्यवस्था भी प्रतिषेध परम कार्यम से देख लेंगे, और इसमें जो है हम क्या कर देंगे, आठ का आगम कर देंगे आ। अब फिर कहते हैं, एक पूर्व पक्षी विचार उठाता है कि ठीक है आपने इसमें आठ का आगम कर दिया, आ बैठा दिया आपने, और फिर जो है आम है, चलो मैं अब कर लेता हूं नुट का आगम। हर्षनद्या को नुट कह रहा है कि मैं अब आगे बैठ जाऊं क्या, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है, मैं तो ये कहता हूं आम का अवयव हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि बीच में कोई व्यवधान हो तो मैं नहीं होऊंगा, आ का व्यवधान ही तो कहोगे आप, आठ का आपने आम से पहले बैठा दिया, कहोगे आ का व्यवधान है, मैं व्यवधान की बात करता ही नहीं हूं हर्षनद्या को नुट, मैं तो कहता हूं हर्षवंत और नद्यंत अंग से पर में आम मिल जाए तो मैं आम का अवयव बन जाऊं, नुट कह रहा है ये बात, मैं बन जाता हूं। तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितमेव, विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितमेव, क्या क्या मतलब हुआ, अर्थात विप्रतिषेध स्थल में
जब आपने एक शास्त्र का एक बार बाध कर दिया, शास्त्र माना सूत्र, जब एक सूत्र का आपने एक बार बाध कर दिया, उसी सूत्र को दोबारा लाके खड़ा करने को सिद्धांत तो बनता नहीं है। इसलिए आप चुपचाप आठ का आगम करिए और ना खुश रहिए। अब आठ का आगम करने से आठ, आठ का आगम आ गया, आठ का आगम होने से आम पर में है, तो आठ और आम क्या कर सकते हो आप इसमें, आठ और आम में फिर से इसको कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा इसमें आम ही आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब आम ही, क्योंकि आठस्य वृद्धि कराता ही है, तो वृद्धि करा के भी क्या करेगा, आ और आम में आम ही कर देगा और तो कुछ करेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिर सामान्य रूप से आप इको यणची लगा दीजिए। इको यणची लगने के बाद में आपको इसमें यण आदेश कर देना है। यण आदेश करने के बाद में इसमें बहुश्रेष्ठ्याम रूप सिद्ध हो गया, सप्तमी एक वचन, इतनी सारी जो बात ये बताई इनको याद रखना है। अब क्या आ गया, सप्तमी द्विवचन, वो पहले से आप सिद्ध करके चले हो, कोयणची लगा लिया था, ओस आया था सामान्य रूप से, शुरू करके कोयणची लगा के अपना काम फिट कर दिया था आपने। तो फिर क्या आ गया, बहुश्रेयसी धन सुख, बहुवचन में सुख का आप जानते हैं, बहुश्रेय आदेश प्रत्युष सकार आदेश हो गया बहुधन्य, तो रूप क्या बन गया, बहुश्रेय, तो रूप बहुश्रेयसी के सिद्ध हो गए। एक बार सब लोग उच्चारण कर लेंगे, बहुश्रेयसी बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयस्य बहुश्रेयसीम बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयसीन बहुश्रेयस्य बहुश्रेयसीभ्याम बहुश्रेयसीभिः बहुश्रेयस्यै बहुश्रेयसीभ्याम बहुश्रेयसीभ्यः बहुश्रेयस्याः बहुश्रेयसीभ्याम बहुश्रेयसीभ्यः बहुश्रेयस्याः बहुश्रेयस्योः बहुश्रेयसीनाम बहुश्रेयस्याम बहुश्रेयस्योः बहुश्रेयसीषु हे बहुश्रेयसी हे बहुश्रेयस्यौ हे बहुश्रेयस्यः। ये इस तरह से बहुश्रेयसी का रूप जो है हमारा ये सिद्ध हो गया। अब बाकी का जो है, अब तीन दिन जो है अनध्याय रहेगा। आप लोग जो अभी तक के सूत्र हैं उन सूत्रों को आप, तो ये इन्होंने कहा था शेषम पपीवत, तो वो पपीवत तो आपने सब बना ही लिए थे, उसमें कोई बात नहीं, इको एनर्जी लगता था पपी में, तो पपीवत का मतलब नहीं है, इको एनर्जी लगा के चले जाओ। तो ये आप यहाँ तक के सूत्र जो हैं तैयार कर लें, जो रूप आपको कच्चे रह गए। तीन दिन का अनध्याय बहुत बड़ा होता है, तीन दिन में आप अजंत पुल्लिंग में जो भी रूप है वो सारे, जिसमें भी आपको 50 है वो सिद्ध कर सकते हैं, और कुछ सूत्र में आपको कन्फ्यूजन हो तो फिर उनको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।